हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यार बच्चे, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास टेंथ समाज विज्ञान के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आज वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल 70 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाला हूँ। इसमें सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आया हूँ और 2024 बोर्ड में 100% ये क्वेश्चन आने वाले हैं। इनको आपको जरूर तैयार करके जाना है। वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है जो कि हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पूरा कंप्लीट में आप लोगों को हर एक चीज बताने वाला हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस बार टारगेट हम लोगों का 90 प्लस मार्क्स का है और बहुत अच्छे से मैं तैयारी करा रहा हूं। सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देने का प्रयास कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, पहला प्रश्न है, ये जितने क्वेश्चन बता रहा हूं सारे क्वेश्चन जो है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपको आते हैं। पहला प्रश्न देखो, फ्रांस की क्रांति कब हुई। ये फ्रांस की क्रांति वाला जो क्वेश्चन है, जो उसका डेट पूछा जाता है, वो हर साल एग्जाम में आता है। तो फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, 1788 में कि 1789 में कि 1790 में कि यहाँ पे 1787 में। अगर आपको मालूम होगा तो मुझसे पहले ही आप कमेंट कर देना। ठीक है, तो इसका राइट जो है बी वाला आंसर हो जाएगा, 1789 ईस्वी में। ये डेट आपको याद रखना है, इसलिए याद रखना है क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर साल एग्जाम में आता है और इस बार भी आप एग्जाम देने जाओगे तो ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा प्रश्न ये है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई। तो देखो, नेपोलियन की जो पराजय हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, 1815 ईस्वी में हुआ था और बी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी नेपोलियन की पराजय पूछे तो ये डेट आपको याद रखनी है, 1815 ईस्वी में। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरा प्रश्न, देखो तीसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे। तो महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे सन 1915 ईस्वी में, और बी वाला जो ये ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1915 ईस्वी में। आगे अगर हम बात करें तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था, और सी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, चार क्वेश्चन हमने कराया, आगे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके एग्जाम में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कराएगा। बस आपको इन क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। पांचवा प्रश्न यह है कि संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी। तो देखो, संयुक्त राष्ट्रीय संघ की जो स्थापना हुआ था मेरे प्यार बच्चों, 1945 ईस्वी में हुआ था, और ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6, जैसा देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 6 है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। तो देखो, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा, काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, और ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे अगर हमें बात करूं तो सातवां प्रश्न यह है कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। तो पर्वतों पर मृदा अपरदन का क्या साधन है, ठीक है, तो वह हिमनद है। क्या है, हिमनद। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें अगला प्रश्न आठवां, अगर हम देखें आठवां, देखो क्या है, हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो हरा सोना कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों प्राकृतिक वनस्पति को, जो प्राकृतिक के बनी वनस्पतियां उनको कहा जाता है हरा सोना। ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और नाइन प्रश्न देखो, नाइन प्रश्न है कि जल मंडल का कितना प्रतिशत भाग जो है समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। तो देखो, जल मंडल का कितना परसेंट भाग बता रहा है कि समुद्री जल में समुद्री जल के रूप में क्या है, उपलब्ध है। तो 97.5%। ठीक है, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें दसवां प्रश्न, दसवां है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो फलीदार फसल की अगर बात पूछ रहा है यहाँ पे, तो ए वाला ऑप्शन पे करोगे, क्योंकि दालें जो है वो फलीदार फसल के अंतर्गत आती हैं, और पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें ग्यारहवां प्रश्न, तो ग्यारहवां प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। तो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा इन चारों ऑप्शन में से, तो वह है आपका कोयला। बी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोयला। इसके बाद बारहवां प्रश्न जो है, बारहवां है, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है। तो देखो, एंथ्रेसाइट का जो संबंध मेरे प्यारे बच्चों है, वो आप लोगों का कोयला से है। किससे, कोयला से। डी वाला ऑप्शन जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी एंथ्रेसाइट वाला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल आपके एग्जाम में आता है, तो इस बार भी देखने को मिलेगा, तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल तैयार रखना है।
इंद्रशाइट का संबंध कोयला से, ये बात आप जरूर याद रखना इस क्वेश्चन को। 13वां प्रश्न की अगर हम बात करें तो 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है, तो आधारभूत उद्योग इन चार ऑप्शन में से कौन सा है, तो वह आपका लव और इस्पात। कौन? लव और इस्पात, तो सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़े और अगला प्रश्न अगर हम देखें तो प्रश्न नंबर 14 जो है वह है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी 2023 में कई शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, तो सिंहली। क्या है? सिंहली, इसको जरूर याद रख कर रखना, बहुत प्यारा प्रश्न है यह। इसके बाद अगर हम बात करें अगला प्रश्न है 15 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है, तो देखो संघीय सूची का विषय कौन है इसमें से, तो रक्षा। कौन? रक्षा, पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 15 का। आगे अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 मान, तो प्रश्न नंबर 16 मेरे प्यार बच्चों है कि यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, तो उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ ये होता है कि समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें 17वां प्रश्न जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था मेरे प्यारे बच्चों वो हुआ था 1885 ईस्वी में, और ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 18वां प्रश्न हम देखें कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है, तो भारत में जो मताधिकार की आयु मेरे प्यारे बच्चों वो 18 वर्ष, अगर 18 वर्ष के आप हो तो आप अच्छे से जाके आप मत दे सकते हो, वोट दे सकते हो, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है, तो इन चारों ऑप्शन बताना है कि विकसित देश कौन है चारों में से, तो विकसित देश मेरे प्यारे बच्चों फ्रांस है। कौन सा है? फ्रांस, सी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है फ्रांस, मतलब ब्राजील भारत बांग्लादेश की अपेक्षा जो फ्रांस है सबसे विकसित देश है। इसके बाद अगर हम बात करें 20वां प्रश्न, 20वां है कि प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय को मेरे प्यारे बच्चों औसत आय के नाम से भी जाना जाता है, किससे? औसत आय से भी। तो हमने 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया आपके ऑब्जेक्टिव, इसको आपको तो तैयार करना ही है। इसके बाद मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी एग्जाम में आने वाले हैं, जिसमें से मैं बताने वाला हूँ लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों बताने वाला हूँ जो कि आपकी एग्जाम में 4 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि आपकी एग्जाम में 100% आएंगे, वही क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। जैसे पहला प्रश्न जो है कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, यह क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों लगातार एक होता है ना कि एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि हर साल एग्जाम में आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो एग्जाम में ना दे, तो वही वाला प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो आना फिक्स है 4 नंबर, इसको तो ले जाओगे आप लोग, लिखोगे उत्तर, और उत्तर में लिखोगे कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थे, जो राष्ट्रवाद की भावना था वो मध्यम वर्ग जो जर्मन लोग थे उनमें बहुत ही काफी व्याप्त थी, उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, 1848 में जितने भी महासंघ के अलग अलग इलाके थे उनको वो जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास उन्होंने किया, मगर इस पहल को जो राजशाही थे और फौज थे तो राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर क्या किया, बिल्कुल दबा दिया, उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी इसका समर्थन किया था, उसके बाद प्रसा ने जो राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व तो संभाल लिया, और उसका मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का क्या बना, जनक बना, जिन्होंने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली, और 7 वर्ष के बाद उन्होंने क्या किया कि ऑस्ट्रिया डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की जो प्रक्रिया हुआ वहां पे क्या हुआ, बिल्कुल पूरा हुआ। और जनवरी 1871 की अगर हम बात करें तो उसमें वर्सराय में हुए एक जो समारोह में प्रसा के राजा कौन थे, विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, और इस तरह 1871 में जो था जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ, पूरा हुआ। तो यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों, इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो हर साल एग्जाम में आता है वह है
महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि सक्रिय राजनीति में भाग लेने से पहले गांधी जी ने अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर उन्होंने भारत भ्रमण किया था, और इस दौरान उन्होंने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए, और जिनमें से प्रमुख है कौन कौन से सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने चलाया था, ठीक है, अपने गुरु के कहने पे। तो पहला जो सत्याग्रह आंदोलन था मेरे प्यार बच्चों, वो था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में लिखोगे कि 1917 ईस्वी में उन्होंने बिहार के चंपारण क्षेत्र का दौरा किया और वहां के किसानों को दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए प्रेरित किया था। तो यह बात याद रखना कि 1917 में पहला किया चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, उन्होंने बिहार के जो क्षेत्र के जो वहां पे किसान थे उनके दमनकारी बागान व्यवस्था के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया था। इसके बाद दूसरा उन्होंने किया गुजरात सत्याग्रह आंदोलन, और गुजरात सत्याग्रह आंदोलन 1918 में किया था। 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया, क्योंकि फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे, जबकि सरकार उनसे जबरन लगान वसूली कर रही थी, तब जाके उन्होंने गुजरात सत्याग्रह आंदोलन किया 1918 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद तीसरा किया अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन, और वो भी 1918 ईस्वी में ही किया था। अहमदाबाद के सूती कपड़ा कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया, और उपयुक्त आंदोलनों में उन्हें सफलता भी मिली, जिस कारण आम आदमी में उनकी अलग पहचान स्थापित हुई थी। तो तीन उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया, एक चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, एक गुजरात सत्याग्रह आंदोलन, और तीसरा आपका अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन। ये तीनों आंदोलन आपको याद होने चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यह क्वेश्चन है। इसके बाद तीसरा जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो हर साल एग्जाम में आता है, आप लोग भी जानते होंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए, कि भारतीय अर्थव्यवस्था पे जब महामंदी आई थी तो क्या प्रभाव पड़ा, ये तो हमेशा से पूछा जाता है ये प्रश्न। तो उत्तर में लिखोगे कि 1929 की महामंदी का प्रभाव जो था भारत पर भी पड़ा, और महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया, और 1928 से लेकर 1934 के बीच देश के जो आयात निर्यात घटकर लगभग क्या रह गए, आधे रह गए थे। और 1928 से लेकर 1934 के बीच भारत में जो गेहूं की कीमत थी वो 50% तक क्या की गिर गया, इतना ज्यादा मतलब हो गया वहां पे मंदी कि 50% तक भी गेहूं का कीमत गिर गया, फिर भी कोई खरीदने वाला नहीं था। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से क्या किया, बिल्कुल इनकार कर दिया था। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों को पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे, ठीक है, उपज पैदा करते थे। टाट का निर्यात बंद होने से कच्चे पटसन की कीमतों पर 60% से ज्यादा गिरावट आ गई। मंदी के इन्हीं सालों में भारत की जो कीमती धातुएं थे, खास तौर सोने का निर्यात करने लगा, मतलब इतना मतलब सारी चीज की कीमत गिर गई थी कि कोई खरीदने वाला नहीं था, तो इसलिए सोना का निर्यात करने लगे लोग। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। इसके बाद यह मंदी जो थी शहरी भारत के लिए अधिक दुखदायी नहीं रही। कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी, मतलब जितना भी महामंदी आई थी उनकी हालत ठीक थी, जो कि सरकारी नौकरी करते थे। सरकारी नौकरी मतलब जिनकी आय बिल्कुल क्या थी, फिक्स थी। जैसे आप सरकारी टीचर हो जाते हो तो 40-45 हजार जितनी भी तनख्वाह अगर आपकी रहेगी तो वो फिक्स है, चाहे जितनी भी आर्थिक महामंदी देश में आ जाए। जैसे कोरोना आया था तो कोरोना के अंतर्गत कोई ड्यूटी कर रहा था नहीं, लेकिन फिर भी जिनकी सरकारी जॉब थी, जिनकी आय फिक्स थी, तो उनको तो तनख्वाह मिल ही रहा था। व्यापार वाले जो लोग थे उनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत देखने को पड़ा, तो मंदी में यही चीजें होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें चौथा प्रश्न जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है, भारत में संसाधन नियोजन है तो कोई 4 उपाय आपको सुझाना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारों, जो जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ एक भी ऐसा क्वेश्चन है कि जो नहीं एग्जाम में आए, मतलब सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। उत्तर में लिखोगे कि संसाधनों के विवेकहीन और अति उपयोग के कारण संसाधन नियोजन की आवश्यकता पड़ती है, और इस हेतु 2 उपाय निम्नवत है, कौन कौन से। पहला, देश के विभिन्न प्रदेशों में
संसाधनों की पहचान और उसकी तालिका तैयार करना, ये पहली आप लोगों का यहाँ पे उपाय है। दूसरा उपाय आपका यह है कि राष्ट्रीय विकास योजनाओं तथा संसाधन विकास योजनाओं के मध्य क्या करना, सम्मेलन स्थापित करना। और तीसरा है कि उपयुक्त जो प्रौद्योगिकी है, कौशल तथा संस्थागत नियोजन ढांचे को तैयार करने के लिए संसाधन विकास योजनाएं लागू करता है। इसके बाद चौथा है कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण के साथ मानचित्र बनाना तथा संसाधनों की गुणवत्ता एवं मात्रात्मक प्रवृत्तियों का अनुमान लगाना तथा उसका मापन करना। तो चार हमने उपाय यहाँ पे आपको बता दिया और चार नंबरों को मिल भी जाएगा, चार नंबर के लिए प्रश्न आते हैं। तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये आपका प्रश्न है और यह लास्ट प्रश्न है आप लोगों का, पांचवा है कि तीन राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं तीन राज्यों के नाम ऐसे। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि काली मृदा का रंग जो होता है काला होता है, और इसे देखो एक और नाम से जाना जाता है, रेंगर मृदा के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। और यह लावाजनक शैलों से बनती है और यह मृदा जो है महाराष्ट्र व सौराष्ट्र व मालवा प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में यह पाया जाता है। और काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया था ना, तो काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। बस खत्म। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों। तो आज की वीडियो में हमने जितने क्वेश्चन आपको बताए, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आपकी एग्जाम में नहीं आए। बहुत सारे यूट्यूबर देखेंगे बहुत फालतू बताते हैं, एक एक डेटा डेटा की क्लास लेंगे, उसमें से दो ही तीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, लेकिन हमने जो क्वेश्चन आपको बताया वो सारे जेन्युइन है, मतलब जो हर साल रिपीटेशन होते हैं वो क्वेश्चन बताए। मेरे प्यार बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।